जेसन रॉय ये वो नाम है जिसको आईपीएल के ऑक्शन में किसी ने खरीदना भी नहीं चाहा। 1.5 करोड़ इसकी प्राइस थी लेकिन किसी ने इस पर दाव नहीं लगाया। लेकिन शाकिब अल हसन जब खेले नहीं केकेआर के लिए सीजन, तो उनका रिप्लेसमेंट होता नजर आया और रिप्लेसमेंट इतना शानदार रहा कि जेसन रॉय ने अपनी बल्लेबाजी से तूफान ला दिया है मैदान पर। जी आप सभी को बताएं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 235 का लक्ष्य रखा था, 236 बनाने थे, लेकिन एक समय पर जेसन रॉय जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस मुकाबले को लेवल पर ले आए थे, बल्कि आगे निकल गए थे। क्योंकि 11 ओवर तक जहां चेन्नई का स्कोर 102 के करीब था, तो वहीं कोलकाता का स्कोर 110 पहुंचा दिया था जेसन रॉय ने नंबर 5 पर आके बल्लेबाजी करते हुए। पिछले मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने शानदार बल्लेबाजी करी थी 40 प्लस रन की, और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने बहुत शानदार बल्लेबाजी करी। 26 गेंद में 61 रन, 5 चौके, 5 छक्कों की बदौलत महज 19 गेंद में इस खिलाड़ी ने अपना 50 पूरा किया था, वो भी धोनी जैसे चालाक दिमाग के आगे। जब गेंदबाज धावा बोल रहे थे तब इस खिलाड़ी ने रन बनाकर दिया कोलकाता की टीम को। कोलकाता चेस करते हुए 186 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहुंची, 49 रन से मुकाबला हार भी गई। रिंकू सिंह ने साथ दिया था, 33 गेंद में 53 रन रिंकू सिंह ने मारे, 3 चौके 4 छक्के उन्होंने मारे, लेकिन मैच में जीत नहीं दिला पाए यहां पर केकेआर की टीम को, क्योंकि सामने से 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया था, जिसमें डेवन कॉनवे ने 40 गेंद में 56 रन की पारी, 4 चौके 3 छक्के की बदौलत, अजिंक्य रहाणे ने 29 गेंद में 71 रन 6 चौके 5 छक्कों की बदौलत, शिवम दुबे ने 21 गेंद में 50 रन 2 चौके 5 छक्कों की बदौलत मारे थे। लेकिन केकेआर चेस करने उतरी तो ऊपरी 4 बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला, तो वहीं जेसन रॉय ने तूफानी पारी खेली 234 का इस खिलाड़ी का इस बीच स्ट्राइक रेट रहा, सिर्फ 10 गेंदों में 50 रन बना दिए थे और बची 16 गेंद में 11 रन बनाता नजर आया था ये खिलाड़ी। तो इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 49 रन से जीतती नजर आई, यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स जीतती नजर आई केकेआर के खिलाफ, तो ये बहुत ही काबिलियत रही। लेकिन मुकाबले के हीरो बने अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने महज 29 गेंद में 71 रन की पारी खेली। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि जेसन रॉय को मौका मिला और उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। अगर इनको सही जगह सही स्पॉट पर इस्तेमाल किया जाए तो और खतरनाक हो सकता है ये खिलाड़ी, क्योंकि अगर देखा जाए आईपीएल के ही मुकाबलों में इस खिलाड़ी का जो स्ट्राइक रेट रहता है वो करीब 126 का हो जाता है। एवरेज इस खिलाड़ी की 31 की रहती है, सिर्फ 14 मैच की 14 पारियों में 372 रन बना चुका है। बाकी अगर T20 की तरफ से देखा जाए तो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए इस खिलाड़ी ने 8 अर्धशतक लगाया, तो काफी एक्सपीरियंस है, 64 मैच खेल चुके हैं, वहां पर ओपनिंग का जिम्मा दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये नंबर 5 पे सही है या ओपनिंग बल्लेबाज पर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।